नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धासु बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 2, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आज हमारा चैप्टर है। और इसी अध्याय का जो लेक्चर है 11, कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 11, लेक्चर 11 है। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो अभी लास्ट लेक्चरों से हमारी चर्चा चल रही है बजट पर और आज हम लोग कवर करेंगे बजट सेट में बदलाव। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, बजट सेट में बदलाव। देखिए अपन लोग अगर इन 11 लेक्चरों को एक बार थोड़ा सा देखें तो शुरुआत के एक दो लेक्चर देखें तो उपभोक्ता को समझने में, उपभोक्ता के व्यवहार को समझने में, फिर 2-3 लेक्चर गणनावाचक जो विश्लेषण है उसको समझने में, फिर कर्मवाचक विश्लेषण समझने में हमने लेक्चर 7-8 तक लिया, 6-7-8 जिसमें कर्मवाचक की बात करी, अंधिमान वक्र की बात करी, और उसके बाद लेक्चर 9-10 से हम जो चल रहा है हमारा बजट सेट पे बात चल रही है कि बजट 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 बजट। आज उसी में बजट सेट में जो बदलाव किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से परिवर्तन होता है, किस प्रकार से चेंजेस होता है, ये आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बात करेंगे कि उपभोक्ता का इष्टतम चयन या एक ऐसा चयन जो उसको अधिकतम संतुष्टि देता है वो कैसे पता लगाया जाता है वो हम लोग जानेंगे। ये जब इतना पूरा घटनाक्रम हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मांग की कि एक्चुअल में मांग होती क्या है, मांग के वक्र कैसे बनते हैं, डिमांड कर्व कैसे बनते हैं, मांग का नियम पढ़ेंगे जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि जब कीमतें बढ़ेगी तो मांग गिरेगी और जब कीमतें गिरेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। इस प्रकार की अनेक घटनाओं के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, मांग के बारे में पढ़ेंगे, मांग के नियम के बारे में पढ़ेंगे, मांग के वक्रों के बारे में पढ़ेंगे, फिर मांग के वक्रों में किस प्रकार से बदलाव आता है वो पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमारे इस चैप्टर का पूरा जो विस्तार है वो खत्म हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत कुछ इस चैप्टर में है और अगर हम इसी चैप्टर में जितना घटनाक्रम अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है और आगे पढ़ेंगे, अगर आप कोई किसी ऑथर की या किसी रिफ्रेशर किताब करके पढ़ रहे हैं तो मैं आपको पहले बता देता हूं ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 4-5 चैप्टरों में विभाजित होता है। जो दूसरे ऑथर्स होते हैं उन्होंने क्या करा है, जैसे मांग का एक चैप्टर बना दिया, बजट सेट का एक चैप्टर बना दिया, उपयोगिता का एक चैप्टर बना दिया, ऐसे करके इस चैप्टर को 4-5 चैप्टरों में कर करके अपनी किताब में प्रकाशित करते हैं। सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज को भी इजी करते हैं तो थोड़ा अच्छा भी आप यूज करना चाहे वो आपकी मर्जी, पर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, एक एक चीजों को समझते हुए चल रहे हैं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बजट सेट में बदलाव। तो अभी तक बजट के बारे में, बजट सेट के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आप सभी ने अभी तक के जो लेक्चर्स हैं जिनमें जब से बजट की चर्चा शुरू हुई है तब से आपने जाना कि बजट क्या है। बजट सीधा सा मुद्दा है कि एक उपभोक्ता की आय और व्यय का हिसाब किताब है कि मेरे पास कितना पैसा आ रहा है और मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ, ये मेरा बजट है। जो एक उपभोक्ता होता है वो अनेक वस्तुओं पे अपने पैसे को खर्चा करता है जिससे कि उसको अधिकतम संतुष्टि मिल सके और वो उतना ही खरीद सकता है जितना या तो उसकी आय के बराबर हो या आय से कम हो, ये हमने लास्ट के लेक्चर में देखा। अब बजट ये होता है, बजट सेट क्या होता है, बजट सेट विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, उन संयोगों को दर्शाता है जिनको उपभोक्ता अपनी आय के भीतर खरीद सकता है, मतलब वो सारे के सारे आय से बाहर नहीं है। जैसे कि हमने लास्ट जब लेक्चर पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्स वस्तु अगर 0 है और वाई 10 है तो ये एक बजट सेट हो गया, दूसरा 1 और 8 का हुआ, दूसरा तीसरा 2 और 6 का हुआ, फिर 3 का और 4 का हुआ, फिर 4 का 2 का हुआ और फिर 5 का 0 का हुआ। ये जो एक एक बनता जा रहा है इनको हम क्या कह रहे हैं, बजट सेट। ये सारे कॉम्बिनेशन जो दर्शाए जा रहे हैं, इन कॉम्बिनेशन इन संयोगों की बात होती है, ये बजट सेट है। अब इस बजट सेट का जो प्रवणता है या जो स्लोप है या बजट रेखा के जो स्लोप होता है वो भी हम लोगों ने जाना था कि सीधी रेखा होती है, वो सीधी रेखा क्यों आती है, क्योंकि कांस्टेंट होता है, निरंतर होता है, और उसका जो बजट रेखा की प्रवणता है, स्लोप है, उसको जब हमने देखा तो -px/py की हमने बात करी थी, प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई की हम लोग बात कर चुके थे। ये सब कुछ हमने जान लिया, बजट सेट आपको पता है, बजट आपको पता है। अब बजट सेट में बदलाव चेंज होता है। अब ये चेंज होने का मतलब ये है कि जो अभी तक आपको सेट देखने को मिल रहे हैं उन सेट में कुछ बदलाव आते हैं, और जब इनमें बदलाव आएगा तो 100% जो आपने वक्र बनाया है उस वक्र में भी बदलाव आएगा। वक्र में बदलाव आने का मतलब है कि बजट रेखा थोड़ी सी आगे या पीछे खिसकेगी। ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम लोगों को जाननी है। अब जब बजट सेट में बदलाव क्यों आएगा,
ऐसे कौन से कारण हैं या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बजट सेट में बदलाव लेकर के आ सकते हैं? तो बजट सेट में दो कारकों के कारण बदलाव आ सकता है। वो दो कारक कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? पहला तो क्या है, पहला है उपभोक्ता की आय। पहला कौन सा है? उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है इसके कारण, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो एक तो क्या है, उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और दूसरा क्या है, वस्तुओं की कीमत। वस्तुओं की कीमत, प्राइसेस ऑफ गुड्स। जो भी गुड आप खरीद रहे हैं, जो भी वस्तु आप खरीद रहे हैं, उनकी प्राइस में अगर कोई चेंज आ जाता है, कोई परिवर्तन आ जाता है, तो बजट सेट में कब बदलाव होगा? दो कारणों के कारण ही हो सकता है। या तो उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो उपभोक्ता है उसकी आय में कोई परिवर्तन होगा, आय बढ़ेगी या घटेगी तब इसमें बदलाव आएगा, या जो प्राइस है, जो वस्तु की जो कीमत है उसमें परिवर्तन आएगा, कीमतें बढ़ेंगी कीमतें घटेंगी। ये अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे, हमने उसमें ये देखा था कि उपभोक्ता की आय को हमने निश्चित माना था, फिक्स माना था कि वह 100 रुपये कमा रहा है तो 100 ही कमा रहा है, ओके। और हमने जो प्राइजेज ऑफ गुड्स है वो भी एक फिक्स मानी थी कि 20 रुपये में अगर एक्स वस्तु मिल रही है और 10 में वाई वस्तु मिल रही है, तो हमने उसको फिक्स माना था, स्थिर माना था। पर अब हम यहाँ पर परिवर्तन करेंगे कि उपभोक्ता की आय में भी परिवर्तन हो सकता है और वस्तुओं की कीमत में भी परिवर्तन हो सकता है। अब यहाँ से सवाल बनता है आप लोगों के लिए, और सवाल ऐसा बन सकता है कि वो पूछ लेगा, 1 मार्क्स में भी पूछ लेगा, 2 मार्क्स में पूछ सकता है, जनरली MCQs में आते हैं ऐसे सवाल कि बजट सेट में बदलाव किन के कारण होता है। तो उसमें ऑप्शन दिया जा सकता है कि उपभोक्ता की आय के बदलाव के कारण, वस्तुओं की कीमतों के परिवर्तन के कारण, या ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, डी इनमें से कोई सा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों में से किसी में भी अगर बदलाव होगा तो बजट सेट में बदलाव आएगा। एक एक पॉइंट, एक एक बात दिमाग में बिल्कुल एग्जैक्टली आपके क्लियर होनी चाहिए। अब बदलाव आएगा तो कैसे बदलाव आएगा, आइए अब एक एक चीज को समझते हैं। पहले अपन एक बात मानते हैं कि अपन जो बदलाव कर रहे हो किस में कर रहे हैं, उपभोक्ता की आय में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? उपभोक्ता की आय में। इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है उसमें बदलाव हो रहा है, उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ द कंज्यूमर है उसमें हम चेंज करेंगे कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, उसकी में बदलाव होगा। अब आपको पहले इसको आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एक बात को समझते हैं। आप मुझे एक बात बताइएगा, उपभोक्ता की आय में दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, या तो उसकी इनकम बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए मैं कल तक 10,000 रुपये कमाता था और अगले महीने में मेरा इंक्रीमेंट कर दिया, मेरी 12,000 सैलरी कर दी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मेरी कम हो सकती है, कि कल लास्ट मंथ तक मुझे 10 मिलती थी, अब मेरी 2,000 गिरा दी, 8,000 हो गई। तो उपभोक्ता की जो आय है उसमें दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर मेरी आय ज़्यादा होगी, मेरी अगर इनकम ज्यादा होगी, तो सीधा सा क्या होगा, मैं जो वस्तु की मात्रा खरीदूंगा, वस्तु की जो मात्रा होगी वो भी मैं अधिक खरीदूंगा, क्योंकि मेरी आय बढ़ेगी, मेरी इनकम बढ़ेगी, तो मैं ज्यादा वस्तुओं की मात्रा खरीद सकता हूँ। इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है कि भैया अगर मैं 10 कमा रहा था और 12 कमाने लगा हूं, तो मेरे पास 2,000 एक्स्ट्रा, मैं ज्यादा वस्तु खरीद सकता हूं। और इसका उल्टा, इसका रिवर्स देखूं, अगर मेरी आय कम हो गई है, मैं 10 से 8 पर आ गया, तो जो मेरी वस्तु की मात्रा खरीदने की क्षमता है वो भी मेरी कम हो जाएगी, मैं उतना नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि मैं पहले 10,000 में जितना खरीद पा रहा था उतना 8,000 में नहीं खरीद पाऊंगा, 2,000 का मेरा बजट क्या हो गया, कम हो गया। तो जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप वस्तुओं की मात्रा बढ़ा दोगे, और जब भी आपकी इनकम घटेगी तो आप वस्तुओं की मात्रा कम कर दोगे। तो अपन पहले एक उदाहरण लेकर के चलते हैं, अपन ने ये सबसे पहले तो आप एक वक्र बना लीजिए, बजट रेखा वाला, ये भैया अपना हो गया वक्र, इधर अपना आ गया वाई अक्ष और इधर अपना आ गया एक्स अक्ष, ठीक है, ये अपना मूल बिंदु 0। इधर अपन जो दर्शा रहे हैं वो x वस्तु को दर्शा रहे हैं, ये अपनी x वस्तु, और इधर जो अपन दर्शा रहे हैं वो y वस्तु को दर्शा रहे हैं, x वस्तु और y वस्तु। अब देखिए, अब अपन इस पॉइंट तक अपन ने एक बजट रेखा बना दी। ये क्या है? बजट रेखा। इस बजट रेखा को अपन नाम दे देते हैं ए और बी। क्या नाम दिया? ए और बी। अब जैसे कि ये नॉर्मल है, जो कंडीशन अपनी है वो नॉर्मल वाली है। जैसे लास्ट वाला एग्जांपल याद, लास्ट लेक्चर में याद करो, अपन ने इनकम को 100 रुपये माना था, इनकम को 100 माना, पी एक्स को 20 माना और पी वाई को 10 माना। मतलब मेरी जो इनकम है वो 100 रुपये है, और जो मेरी एक्स वस्तु खरीद रहा हूँ उसकी प्राइस कीमत 20 रुपये है, और इसकी जो प्राइस है वाई वस्तु की वो 10 रुपये है।
अब जब अगर इनकम में परिवर्तन हो रहा है तो वस्तुओं की जो कीमत है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, उसमें चेंजेस नहीं होंगे, अभी इनकम में परिवर्तन हो रहा है। अब जैसे मान लेते हैं कि इनकम 100 से बढ़कर के 150 हो गई, 100 से बढ़कर करके 150 हो गई, जब मेरी आय बढ़ी तो मैं वस्तुओं की मात्रा बढ़ाऊंगा या नहीं बढ़ाऊंगा? जवाब दीजिए, बढ़ाऊंगा या नहीं बढ़ाऊंगा? बिल्कुल बढ़ाऊंगा। तो मेरी बजट रेखा आज यहां पर है, तो ये बजट रेखा कहां चली जाएगी? ये बजट रेखा आगे चली जाएगी, आगे जाएगी ना, राइट की तरफ मूव होगी। क्यों? क्योंकि पहले मैं इतना खरीद रहा था, अब मैं इतना खरीद सकता हूं ना भैया। पहले मैं अगर इसके 5 और इसके 4 खरीद रहा था, तो आज मैं इसके 6 और इसके 5 खरीद सकता हूं ना, क्योंकि मेरे पास पैसा ज्यादा है, खूब पैसा अपने पास है। ठीक है, जब पैसा ज्यादा है तो मैं ज्यादा वस्तु खरीदूंगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आज अगर आपको मम्मी 500 रुपए देकर के भेजे, आप एक शर्ट ले सकते हो, और मम्मी ने बोला ले बेटा 1000 रुपए ले, तो आप शर्ट के साथ जींस भी ले सकते हैं और 2 शर्ट भी लेकर के आ सकते हैं। तो जैसे आपकी आय बढ़ी तो आप ज्यादा खर्चा करोगे, तो आपका बजट सेट में परिवर्तन होकर के वो क्या चला जाएगा? आगे चला जाएगा। तो जब भी आय में परिवर्तन होगा, आय बढ़ेगी, वस्तु की मात्रा बढ़ेगी, तो हमारा जो बजट का वक्र है या बजट रेखा है वो किधर मूव करेगी? दाएं तरफ मूव करेगी, दाएं तरफ मूव करेगी। किधर मूव करेगी? दाएं तरफ जाएगी। बाहर देखो, बाएं, बाएं मतलब ये बाएं वाला, लेफ्ट हैंड इसको बोलते हैं और दाएं इसको बोलते हैं। इंग्लिश में इसको राइट वर्ड शिफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइट वर्ड शिफ्ट कहा जाता है, कि राइट की तरफ शिफ्ट हो जाना, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाना। अब इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं कि राइट की तरफ जाएगा या लेफ्ट की तरफ जाएगा? देखो, आप लोग देखते हो कि बहुत से लोग बहुत गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, लोगों को मार देते हैं और कर देते हैं। वो लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं होता इनकम कमाने का, और शौक बहुत बड़े बड़े पाल लेते हैं, तो वो क्या है, गलत दिशा में जाते हैं। इनकम कम होने के कारण वो क्या है, गलत दिशा में जाते हैं। जिसका इनकम अच्छी, वो राइट हमेशा राइट होता है, वो सही रहता है। ठीक है, वो हमेशा सही रहता है। तो इनकम बढ़ने पर किधर जाएगा? राइट जाएगा, राइट जाएगा, याद रखना, ऐसे याद रखना। तो ये ए बी से कहां पहुंच गया? यहां पर पहुंच गया। अब इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं, जैसे मान लो एम एन दे दिया। जब मैं इसका वर्णन लिखूंगा, आपको जब इसका वर्णन लिखना होगा, तो आप लिखोगे कि जब आय उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, तो जो बजट रेखा है वो ए बी से एम एन की ओर चली जाएगी, ए बी से एम एन हो जाएगी। पहले ए बी थी, अब एम एन हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। मेरे पास यहाँ पे बेटा स्केल नहीं है और नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर आपकी हमेशा रेखा बिल्कुल यूं स्ट्रेट सीधी आनी चाहिए। और 12th बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स के पेपर में विशेष ध्यान रखना आप लोगों को, आपके बॉक्स में स्केल भी होनी चाहिए, पेंसिल भी होना चाहिए, ब्लैक पेन भी होना चाहिए, रबर शार्पनर होने चाहिए। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स करोगे, जब व्यष्टि अर्थशास्त्र आप लिख रहे हो ना, तो आपको स्केल की, पेंसिल की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। तो पहली कंडीशन तो यह हो गई कि भैया जब इनकम बढ़ी तो वस्तु की मात्रा बढ़ी, और वस्तु की मात्रा बढ़ी तो मैं राइट वर्ड, मेरा जो वक्र है वो राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अब इसका उल्टा देखते हैं, उल्टे में ये देखते हैं कि ये इनकम मान लीजिए 100 से कल को 80 हो गई, मेरी इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई तो मैं वस्तु की मात्रा क्या करूंगा, कम खरीदूंगा। पहले यहां तक ही खरीद रहा था, अब मैं और भी कम खरीदूंगा, मैं और भी कम खरीदूंगा। तो अब मेरा जो वक्र है वो किधर आ रहा है, लेफ्ट वर्ड की तरफ आ रहा है। ठीक है भैया, मैं जैसे आज यहां पर खड़ा हो जाऊं, ठीक है, मान लीजिए कि मैं एक बजट रेखा हूं, मैं यहां पर खड़ा हो गया। अब जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी तो मैं राइट की तरफ जा रहा हूं, ये मेरा राइट हैंड है, ये राइट है ना भाई बच्चा बाटी, ये राइट हैंड है, तो मैं इधर जा रहा हूं। तो ये देखिए, आप याद रखिए, मैं इधर जा रहा हूं, मतलब इधर हो रहा है शिफ्ट मूवमेंट, ऐसे हो रहा है। और जब मेरी बजट इनकम कम हुई तो मैं इधर जा रहा हूं, ठीक है, तो ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट और राइट, तो ये क्या हो गया, बाई तरफ। अब जब इस प्रकार का संयोग बनेगा तो हम बाई तरफ या इसको लेफ्ट वर्ड मूवमेंट कहते हैं, कि लेफ्ट की तरफ क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। अब इसको भी आप चाहे जो नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको नाम दे दीजिए ए बी दे दिया, उसको एम एन दे दिया, इसको पी क्यू दे दीजिए। तो अब इसमें आप वर्णन में ये लिखेंगे, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो जो बजट रेखा है या जो बजट रेखा है वो ए बी से एम एन की ओर चली जाती है, और जब आय में गिरावट आती है तो वस्तु की मात्रा कम खरीदता है, इसलिए उपभोक्ता की जो बजट रेखा है वो ए बी से पी क्यू की ओर चली जाती है। तो ये आपका जब परिवर्तन बजट सेट में बदलाव देखा जा रहा है, जब उपभोक्ता की आय में बदलाव हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जब उपभोक्ता की आय में बदलाव होगा तो कीमतों में परिवर्तन ना के बराबर है और होता भी नहीं है, और जब कीमतों में परिवर्तन होगा तो उपभोक्ता की आय कहीं ना कहीं स्थिर सी होगी। अब यहाँ पर बजट सेट में बदलाव का मतलब ही है कि पहले यहाँ पर थे तो किधर जा रहे हैं, इधर इधर, तो चेंज हो गया ना। जैसे ही इनकम में कुछ चेंजेस आए, अगर बढ़ गई तो मैं ज्यादा खरीदने लग गया तो ये आगे हो गया, कम हुई तो मैं थोड़ा और इसके भी नीचे आ गया। ये अपना ओरिजिनल है, जब अपन ये मानते थे कि स्थिर है,
पर जब परिवर्तन हुआ तो यहाँ पे और यहाँ पे अपना आ गया, ठीक है। तो ये बजट सेट में बदलाव तब हो रहा है जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन आ रहा है। क्लियर, यहां तक बात क्लियर आपको? मैंने कहा बजट सेट में दो कारणों के कारण बदलाव आता है, एक उपभोक्ता की आय के कारण और दूसरा किसके कारण आ रहा है, वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण। तो उपभोक्ता की आय वाला अपन क्लियर कर लिया। चलो अब अपन बात करते हैं वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, किसमें? वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण बजट सेट में बदलाव आना। तो क्या लिखते हैं कि वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के कारण बजट सेट में बदलाव, बजट सेट में बदलाव किसके कारण परिवर्तन, बजट सेट बदलाव। जब भी वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होगा तो बजट सेट में बदलाव आएगा। अब यहां पर हम एक बार थोड़ा सा जो मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड है, उसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं, उसको दिमाग में बिठा लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड या मांग का नियम सीधा फंडा है, हम सब पर लागू होता है। हम सब पर लागू होते हुए ये एक बात कहता है, देखो डिमांड कौन करता है, मुझे एक बात बताइएगा, डिमांड कौन करता है, मांग कौन करता है? जिसको उस चीजों की आवश्यकता हो, जिसको उस चीजों की जरूरत हो, और जो अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करता है, उसी को हम उपभोक्ता कहते हैं। सीधी सी बात है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है, वो उपभोक्ता कर रहा है। कौन कर रहा है? उपभोक्ता कर रहा है। जब उपभोक्ता डिमांड कर रहा है तो उपभोक्ता आप भी हो बच्चों और मैं भी हूं, ठीक है। आज आप मान लीजिए कि आज आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप उपभोक्ता हो, मैं कहीं जाकर के शर्ट खरीदता हूं, मैं उपभोक्ता हूं, मैं कुछ वस्तु का खरीदारी कर रहा हूं, उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं उपभोक्ता हूं, हम सब उपभोक्ता है। और हम सभी के जीवन में हम एक सीधा सा फंडा अपनाते हैं, और ये फंडा अपनाते हुए कहते हैं कि जब भी किसी वस्तु की कीमत और यहां पर एक तरफा मांग कर लीजिए, जब भी किसी वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होगी, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो मैं उसकी मांग को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, मैं उन चीजों की मांग नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बजट से वो चीज बाहर नहीं चाहिए जानी चाहिए। जितनी कीमत बढ़ेगी भैया अब अपने पास नहीं, अपन तो नहीं खरीदे, छोड़ दो इसको भी। तो कीमतों में जैसे जैसे बढ़ोतरी होगी मांग गिरती जाएगी, ये मांग का नियम है। ये आप अपने ऊपर भी लगा लो, मेरे ऊपर भी लगा लो। मान लो कोई चीज खरीदे थे 500 की मिल रही थी, कल आप 700 हो गई, 1000 हो गई, तो आप क्यों खरीदो? बोले 500 होगी, जिस दिन देखेंगे, अब भी नहीं है पैसा इतना। और इसका उल्टा देखे तो जब कीमतें गिरेंगी तो मांग में बढ़ोतरी होगी। जैसे कीमतें कम हुई, अब पहला 500 की एक शर्ट खरीदे थे, 500 में दो आ रही, तो आप खरीदोगे, हाँ यार कम में मिल रहा है, खरीद लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कैसा रिश्ता है इनके बीच में, प्रतिलोम, इनवर्स रिलेशनशिप है बेटा। कैसा रिश्ता है, प्रतिलोम या ऋणात्मक, नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप इसको कहा जाता है, कि जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, और दूसरा बढ़ रहा है तो पहला वाला घटेगा ही घटेगा। ये बढ़ा तो ये घटा, ये घटा तो ये बढ़ा, ठीक है। कीमत और मांग में प्रतिलोम इनवर्स रिलेशनशिप होता है। पर यहां पर कुछ चीजों में अपवाद है, कुछ चीजों में एक्सेप्शन है, जहां पर ये वाला नियम लागू नहीं होता। जैसे कि जो नेसेसिटी वाले आइटम होते हैं, जो मूलभूत वस्तुएं, जैसे कि खाने पीने का सामान हो गया। अब जैसे मान लीजिए सबको रोटी तो चाहिए, तो अब वो रोटी चाहे 200 की मिले, 500 की मिले, व्यक्ति खाएगा तो खाएगा, उसमें प्राइस नहीं देखेगा, ठीक है ना। जहां तक टाल सकता है वो टाल देगा। जैसे आज मान लीजिए आज टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं, मैं पर्सनली मेरे घर का उदाहरण देता हूँ, हमने टमाटर यूज करना बंद कर दिया है, और वैसे भी हम लोग बहुत कम करते थे टमाटर का यूज, क्योंकि थोड़ा सा उससे कहते हैं कि स्टोन होती है, पर काफी लोगों ने ना मतलब टमाटर गिरना ही छोड़ दिया, उसकी जगह और कोई खट्टी चीज आती है वो डाल लेते हैं, संतुष्टि है। पर अब ऐसा बोले कि हाँ भाई सब्जियां बहुत महंगी हो गई, सब्जियां मत खाओ, ये पॉसिबल नहीं, खाना पड़ेगा, जीना है तो हमें खाना पड़ेगा, तो हम उन चीजों का त्याग नहीं कर सकते, वहां चाहे कितनी ही प्राइस क्यों ना हो जाए। इसके अलावा जो प्रतिष्ठा वाली वस्तु होती है, जो रेपुटेशन पर सवाल उठाती है, वैसी वस्तुओं में मांग का नियम काम नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आज दो पड़ोस के जो घर हैं वो बिल्कुल दोनों रिच क्लास लोग हैं, आज वो एक महंगी गाड़ी खरीद करके लाएगा तो ये बोलेगा अरे उसके पास ये है, अब मैं भी ये वाली गाड़ी खरीद कर। अब चाहे वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो, एक साल पहले वो गाड़ी 20 लाख की मिल रही, आज वो गाड़ी 50 लाख की मिल रही, वो खरीदेगा। वहां पर प्रतिष्ठा का सवाल है, जैसे हम कहते हैं ना नाक का सवाल, अच्छा वो मेरे से बढ़िया गाड़ी कैसे, मैं ही गाड़ी तो बढ़िया मैं ही लेकर के आऊं। जब प्रतिष्ठा पे सवाल आ जाता है तब भी इंसान मांग का नियम लागू नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, जीवन को बचाने के लिए
और जीवन में दिखावा करने के लिए। जब दो समय आते हैं तब मांग का नियम लागू नहीं होता। जब जीवन को बचाना होता है तब इंसान नहीं देखता कीमत कितनी है, और जब जीवन में दिखावा करना होता, अच्छा तेरे पास ये है तो मेरे पास भी ये है, तो उस समय भी मांग का नियम लागू नहीं होता। ये मांग का नियम। अब इस मांग के नियम के तहत दो ही बातें सामने निकल करके आ सकती है कि कीमत में या तो वृद्धि होगी या गिरावट आएगी। ये दो ही चीजें हो सकती है, इस दो के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अब आ जाइए फिर से एक बार पहले वाले एग्जांपल पे जो हम लास्ट लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं। एम इज इक्वल्स टू 100, अब हमारे इनकम 100 को 100 ही रखेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। और पी एक्स की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं 20 रुपए, और जो पी वाई मतलब वाई वस्तु की जो वैल्यू है उसको प्राइस को मान लेते हैं 10 रुपए। अब आपको एक बार के लिए ऐसा मान करके चलना है कि ये वाला स्थिर है और ये स्थिर है, एक वस्तु की में ही बदलाव आ रहा है। अब ये मान लीजिए कल को ये 20 से बढ़कर 25 हो गई, क्या हो गई, कीमत बढ़ गई। कीमत बढ़ गई मतलब इसकी मांग गिरेगी। बच्चों क्या होगी, इसकी मांग गिरेगी। तो पहले वक्र बना लो, ये अपना वाई, ये अपना एक्स, ये अपना ओरिजिन या मूल बिंदु, इस पर अपना एक्स वस्तु, इस पर अपनी वाई वस्तु, ये एक्स वस्तु, ये वाई वस्तु। अब अपना जो बजट रेखा है वो हमेशा यूं बिल्कुल सीधी होती है, ठीक है। ये एक्स वस्तु को दर्शा रही है, ये वाई वस्तु, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है ना, ऐसे। अब मैंने ये कहा कि जब मेरी एक्स की प्राइसेस 20 से 25 हो जाएगी, मेरी एक्स की प्राइस 20 से 25 हो जाएगी मतलब कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, और जब कीमत में बढ़ोतरी हो रही है तो मैं मांग को गिरा दूंगा भैया, मैं उस चीज की डिमांड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मांग का नियम कहता है कि जब कीमत बढ़ेगी तो मैं मांग को गिराऊंगा। और जब मांग कम होगी तो हमेशा अपन कहां जाएंगे, अपन अंदर की साइड घुस जाएंगे, क्योंकि पहले अपन इतना खरीद रहे थे अब इतना खरीदेंगे। ये यहां से कनेक्ट होगा बेटा। अब आप बोलोगे सर जी वहां जब हमने इनकम का बनाया था तो आपने यूं लेकर के यूं कर दिया था, अब आप यहां से क्यों जोड़ रहे हो, क्योंकि बेटा यहां पर यहां मैंने वाई वस्तु दिखाई है, वाई वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, हम वो तो लेते ही रहेंगे। यहां पर एक्स वस्तु का कम कर दिया अब हमने, क्योंकि एक्स वस्तु की कीमतें बढ़ गई हैं, एक्स वस्तु की कीमतें बढ़ने के कारण। तो अब ये ए है, इसको मैं ले लेता हूं बी, जीरो नाम दे देता हूं। तो जब एक्स वस्तु की कीमतें बढ़ जाएंगी तो ए बी से मैं ए बी जीरो की तरफ मूव कर जाऊंगा, मतलब किधर आ जाऊंगा, मैं दाएं की तरफ आ जाऊंगा, किधर आ जाऊंगा, दाएं बाएं तरफ आ जाऊंगा, किधर आ जाऊंगा, बाएं तरफ। तो इसको कहा जाता है लेफ्टवर्ड मूवमेंट, ठीक है। और जब उल्टा ले लीजिए कि इसमें 20 से इनकम कितनी, सॉरी एक्स की जो प्राइस है वो कितनी हो गई, 15 रुपए हो गई, तो ये किधर चली जाएगी, ये उधर चली जाएगी, ये यूं चली जाएगी, इसको नाम दे दिया B1। तो ये आगे बढ़ गया, क्योंकि नियम कहता है कि जब जब कीमत गिरेगी तो मांग बढ़ेगी, जब जब कीमत गिरेगी तो मांग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो यहां पर पहले ए बी था, जैसे ही कीमतें बढ़ी मैंने मांग घटा दी तो मैं पीछे हो गया, और जैसे ही कीमतें गिरी तो मैंने मांग बढ़ा दी, ये था। तो ये जब एक्स की वस्तु में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अब दूसरी वस्तु का देख लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि जो वाई है, जो वाई वस्तु है उसकी प्राइसेस में उसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं, तो अब अपन लेते हैं वाई वस्तु को, कि वाई वस्तु, वाई वस्तु के परिवर्तन को समझते हैं। ये अपना वाई एक्स अक्ष, ये हमारा मूल बिंदु, ये हमारी y वस्तु, ये हमारी x वस्तु, ये हमारी x वस्तु। अब अगर मैं यहां पर पहले एक नॉर्मल जो सीधी वाली रेखा है, ये a और ये b, ये हमारा नॉर्मल है, जब इनकम प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं, तब वाली है। अब मैंने ये कहा कि भैया मेरी एम आज भी 100 रुपये ही है, इनकम 100 रुपये, प्राइस ऑफ एक्स 20 रुपये, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। पी वाई जो वाई की प्राइस है वो 10 रुपये थी, परंतु अब ये बढ़ करके कितनी हो गई है, मान लीजिए 20 रुपये हो गई है, और जब ये बढ़ जाएगी, जब भी ये बढ़ेगी तो अपन क्या कर देंगे, अपन मांग को गिरा देंगे। और किसकी मांग को गिराना, वाई वस्तु की, क्योंकि वाई की में बदलाव आ रहा है। तो अब यहां से इस पॉइंट से तो वो बिल्कुल नहीं उठता जाएगा। और देखिए आप ये एक चीज नोटिस करिएगा कि मैं यहाँ डॉट 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 में लाइन बना रहा हूं, क्यों, क्योंकि इससे एग्जामिनर को पता चल जाता है ये बदलाव वाली लाइन है और ये वाली बदलाव लाइन है, ये मेन लाइन है, ठीक है। तो ये ए से ए जीरो नाम देंगे, ए जीरो क्यों दे रहा हूं, क्योंकि पीछे जा रहा हूं मैं, ए जीरो, तो ये किधर शिफ्ट हो गया, ये वापस बाई तरफ शिफ्ट हो गया, इधर आ गया ना,
और जब यहां पर मान लीजिए इसका उल्टा ले लेते हैं कि 10 से कीमतें 5 रुपए पर आ गई हैं, तो अपना क्या होगा, अपन ज्यादा खरीदना लग जाएंगे, तो ये A1 हो जाएगा, तो ये राइट वर्ड शिफ्ट अपना हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपने परिवर्तन अपने होते हैं। अब आपको थोड़ा सा शॉर्ट में निष्कर्ष में मैं कुछ चीजें समझा देता हूं। सबसे पहला, उपभोक्ता की आय, जब आय बढ़ेगी तो किधर शिफ्ट होगा, आय बढ़ रही है तो मतलब हम ज्यादा मात्रा में खरीद सकते हैं, तो ये किधर जाएगा, राइट वर्ड की तरफ जाएगा, दाएं तरफ मूव हो जाएगा, राइट वर्ड। जब आय की कम हो जाएगी तो किधर जाएगा, बाय में जाएगा, मतलब लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, ये आय का समय हो गया। वस्तु की कीमत में, कीमत अगर बढ़ेगी तो किधर जाएगा, कीमत बढ़ने का मतलब है मांग कम कर देगा, और मांग कम कर देगा जब भी कम होगा तो क्या होगा, यहां पर आय बढ़ रही थी तब वस्तु की मात्रा ज्यादा ले रहा था, मतलब मांग ज्यादा हो गई थी, इसलिए जब भी डिमांड ज्यादा होगी तो वो राइट की तरफ चला जाएगा बेटा, जब भी डिमांड ज्यादा होगी तो वो राइट की तरफ जाएगा, जैसे ही डिमांड कम होगी, मांग कम होगी, वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। आय बढ़ी, इनकम बढ़ी, तो मैंने वस्तु की मात्रा बढ़ा दी, उन्होंने डिमांड बढ़ा दी, और डिमांड बढ़ा दी तो मैं राइट की तरफ चला गया, जैसे ही मेरी इनकम कम हुई, मेरी डिमांड कम हुई, मैं लेफ्ट की तरफ आ गया। अब यहां पे जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ी, कीमत बढ़ने का मतलब क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, कीमत का नियम क्या कहता है, जैसे ही कीमत बढ़ेगी मैं मांग को कम कर दूंगा, और जब भी मांग को कम करूंगा मैं किधर आऊंगा, मैं बाय की तरफ आऊंगा, लेफ्ट की तरफ आऊंगा। और जब भी कीमतों में गिरावट आएगा, प्राइसेस गिरेगी, तब उस समय मैं क्या करूंगा, मैं अपनी डिमांड को बढ़ा दूंगा, और डिमांड को बढ़ाने का मतलब है कि अपन लोग दाएं की तरफ, हम लोग राइट वर्ड शिफ्ट कर लेते हैं, हम राइट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये निष्कर्ष है जो मैंने आपको पूरा अभी तक का पढ़ाया। चलिए अब देख लेते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी की भाषाओं को समझ लेते हैं। उपलब्ध बंडलों का सेट दोनों वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। जितने भी आपके पास जो बंडलों के सेट हैं, वो दोनों किस पर निर्भर करते हैं, वस्तुओं की कीमत पर और उपभोक्ता की आय पर, कि आपकी आय कितनी है और उन जो दो वस्तुएं आप खरीदना चाहते हैं उनकी कीमत कितनी है, क्योंकि उस कीमत और उस आय के अनुसार ही आप उन वस्तुओं को खरीद पाएंगे या उन वस्तुओं को नहीं खरीद पाएंगे। तो उपलब्ध बंडलों का जो सेट है वो दोनों वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है, कि उपभोक्ता की आय कितनी होगी और वस्तुओं की कीमत कितनी होगी। जब दोनों में से किसी भी वस्तु की कीमत अथवा उपभोक्ता की आय बदलती है तो उपलब्ध बंडल का सेट भी बदल सकता है। जब किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ जाए, चाहे वो PX हो, X वस्तु की प्राइस में चेंज आ जाए, चेंज का मतलब है या तो बढ़ सकती है या घट सकती है, या PY जो Y वस्तु है उसकी प्राइस में चेंज आ जाए, बढ़ सकती है या घट सकती है, तो किसी भी वस्तु की कीमत में बदलाव आ जाए, या आय में इनकम में जो उपभोक्ता की इनकम है उसमें बदलाव आ जाए, अब इनकम में भी दो ही काम हो सकते हैं, तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ठीक है, तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, तो कीमत में परिवर्तन आए या आय में परिवर्तन आए, तो इससे क्या होता है, जो बंडल का सेट है वो भी बदल सकता है, उसमें भी चेंज आ सकता है। और जब बंडल चेंज होंगे, जब बजट सेट चेंज होगा, तो बजट रेखा में भी परिवर्तन आएगा, यही बजट सेट का बदलाव है। मान लीजिए कि उपभोक्ता की आय M से बदलकर M- हो जाती है, परंतु दोनों वस्तुओं की कीमतें नहीं बदलती। इसने क्या कहा, आय पहले M थी और अब ये क्या हो गया, M, ये हो गया, अपोस्ट्रोफेस बोलते हैं इसको, ठीक, इस प्रकार से, तो हम M- या जो भी आप लिखना चाहे वो लिख लीजिए, तो M से M- मतलब ये बढ़ोतरी को दर्शा रहा है, परंतु दोनों वस्तुओं की कीमतें नहीं बदली। तो मैंने आपको ये बताया कि जब इनकम में परिवर्तन आ रहा है तो वस्तुओं की मात्रा में, वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जैसे आज मुझे एक बात बताइए, मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ और X की जो कीमत है वो 20 रुपये और Y की जो कीमत है वो 10 रुपये, कल को मेरी सैलरी 120 रुपये हो गई, और जब 120 सैलरी हुई और मुझे ये बात पता चली कि भैया 15 रुपये X पे बढ़ गए हैं और 5 रुपये Y पर बढ़ गए हैं, तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी मेरी इनकम बढ़ी उतनी तो कीमतें भी बढ़ गई, तो फिर तो बजट सेट में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम ये मान करके चलते हैं कि जब इनकम बढ़ेगी तो वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तभी तो बजट सेट में बदलाव देखने को मिलेगा ना। और जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आएगा तो आय में और दूसरी वस्तु की कीमत में कोई चेंजेस नहीं माने जाएंगे। तो यहां पे बोला गया है कि उपभोक्ता की आय एम से एम अपोस्ट्रोफेस हो जाती है या डैश हो जाती है, तो उसमें कीमतों में बदलाव नहीं, मतलब मान लीजिए कि इनकम पहले 100 थी और आज 200 हो गए, 150 हो गए, जो भी आप मानना चाहें। नई आय होने पर उपभोक्ता बंडल X1 X2 खरीद सकता है, जिसके होने पर P1 X1 प्लस P2 X2 इज लेस देन और ग्रेटर इक्वल टू एम,
पोस्ट ऑफिस अब बजट रेखा का समीकरण। देखो अब जब भी है ना नई आय आएगी, जब नया इनकम हमारे पास हो जाएगी तो हमारा क्या बनेगा, तो मैं कहता हूं पी एक्स, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स, इसको हम क्या कर देते हैं जितनी मात्रा में खरीदनी है क्यू एक्स, क्वांटिटी एक्स, है ना, ये वाला सबसे इजी, आप इसी को आगे तक लेकर के चलिएगा, ये वाले समीकरण को पी वाई क्यू वाई, ठीक है, मतलब x की जो प्राइस है उसको मैं जितना x के खरीदूंगा उससे गुणा कर दूंगा, फिर प्लस करूंगा y की जो प्राइस है उसको y की जितनी मात्रा खरीदूंगा उससे कर दूंगा। अब क्या है बच्चों, जब हमने पहले लिखा था, जब लास्ट लेक्चर तक हम पढ़ रहे थे, तो ये हमारा एम था, ये हमारी पूरी एग्जैक्ट सही इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए कि हमारी जो इनकम है वो बदल गई और वो बढ़ गई, तो वो इनकम ये हो गई, ठीक है। अब इसमें या तो इस नई इनकम के बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, तो पी एक्स डॉट क्यू एक्स प्लस पी वाई डॉट क्यू वाई एम अपोस्ट्रोफेस, मतलब ये इसके कम होना चाहिए, जो नई इनकम आई उससे कम होना चाहिए, तो इसलिए हम इन दोनों को मिलाकर करके एक समीकरण बना देते हैं। और एक समीकरण जब बना देते हैं बच्चों, तो वो क्या बनता है कि जब हमारी नई इनकम आ जाएगी तो पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई डॉट क्यू वाई इक्वल और ग्रेट लेस देन न्यू इनकम, ठीक है। ये जो एक एरो लगाया ये इक्वल को दर्शाता है, और ये जो है ये मतलब हम अलग अलग दिखा रहे थे ना, अब अलग अलग ना दिखा करके हम एक में ही दिखा रहे हैं कि या तो बराबर होनी चाहिए नई इनकम के या उससे कम होना चाहिए। तो ये जब हमारी इनकम बदल जाएगा तो हमारा समीकरण भी बदलेगा, ये हमारा नया समीकरण है जो कि इसमें आपको दर्शा रखा है, वही बात बोली गई। ध्यान दीजिए कि नए बजट रेखा की प्रवणता वही है जो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से पहले की बजट रेखा की प्रवणता थी। तो देखिए स्लोप वहां का वही रहेगा, स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा, स्लोप वही है, क्योंकि निरंतर एक को पाने के लिए वो दूसरा जो त्यागेगा वो सेम है, प्रवणता जो है वो सेम रहेगा, स्लोप सेम रहेगा। तथापि आय में बदलाव के बाद ऊर्ध्वाधर अंतखंड बदल गया, ठीक है, अब ये मतलब वर्टिकल जो वाला है उसमें चेंज आ जाएगा, ठीक है, ये यूं था तो अब ये थोड़ा सा यूं इधर चेंजेस आ जाएंगे, वर्टिकल वाले हैं जो उसमें चेंज आ जाएंगे। यदि आय में वृद्धि होती है अर्थात यदि एम जो न्यू है एम, तब उत्तराधर अंतखंड बदल बढ़ता है बजट रेखा के समांतर बाहर विस्थापन करता है, मतलब इसने क्या कहा है, बाहर विस्थापन का मतलब क्या है, आउटर, बाहर निकलता है। तो पहले यह था जब भी यदि इनकम में वृद्धि होती है तो वो क्या बाहर की तरफ जाएगा, तो ये बाहर चला गया ना, पहले यहां था बाहर चला गया, तो उसको क्या कहा जाता है, समांतर बहाव विस्थापन। समांतर का मतलब होता है बेटा पैरेलल, ठीक है, आपने जैसे रेलवे के दो ट्रैक देखे ना जो पैरेलल हो, मतलब बराबर सामने एक दूसरे के सामने, ये जैसे ये दोनों हाथ है अभी एक दूसरे के पैरेलल, ये इधर और ये, इनको पैरेलल कहा जाता है। तो यहां पर भी क्या है, समांतर बहाव मतलब आउटर, विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, तो ये बाहर की तरफ इसी के बराबर की लाइन में चल रहा ना, दोनों बराबर है, दोनों आमने सामने बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है, तो यह कहा गया कि समांतर बहाव विस्थापन होगा। यदि आय बढ़ती है तो उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अधिक वस्तुएं खरीद सकता है, जब उपभोक्ता की इनकम बढ़ेगी और वस्तुओं की प्राइस में कीमतों में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा तो ज्यादा मात्रा खरीद सकता है, और ज्यादा मात्रा खरीद सकता है तो ये क्या दर्शा रहा है कि भैया आप राइटवर्ड शिफ्ट हो जाओगे, आप बाहर की तरफ आगे बढ़ जाओगे। इसी प्रकार यदि आय घटती है, तो ये तो आय बढ़ी तब की बात है, अगर आय घटती है तो जो ऊर्ध्वाधर अंतखंड घटता है तथा इस प्रकार बजट रेखा में समांतर आवक स्थापन होता है, स्थानापन होता है, तो आवक, आवक का मतलब अंदर आ जाएगा ये, ठीक है, ये वाली बातें मैंने आपको पूरी पहले ही समझा दी। यदि आय कम होती है तो वस्तुओं की उपलब्धता भी घटती जाती है, जैसे अब आय कम होगी तो आप कम खरीदोगे, दोनों वस्तुओं की कीमतें समान रहने पर उपभोक्ता की आय में बदलाव के परिणाम स्वरूप उपलब्ध बंडलों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाया गया है। अब दोनों वस्तुओं की जब कीमतें समान है, कोई चेंज नहीं है उनमें, तब उपभोक्ता की आय में बदलाव आता है, तो उन बंडल सेटल परिवर्तनों को आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखिए अब इस वाले को समझ लेते हैं, एनसीईआरटी का चित्र है। जब आपकी जो न्यू इनकम है, जो नई इनकम है, ये हम क्या कह रहे हैं, ये हमारी नई इनकम है और ये हमारी पुरानी इनकम है। इस पुरानी वाली इनकम से जब ये ज्यादा होगी, नई वाली इनकम हमारी ज्यादा होगी, मतलब मैं कहता हूं ये 100 है और ये मेरी 150 हो गई, मतलब इनकम बढ़ गई, और जब इनकम बढ़ गई है तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, मैं ज्यादा मात्रा खरीदूंगा, तो ये पहले मेन लाइन ये है, इस लाइन से ये इधर शिफ्ट हो गया, इधर ये चला गया, ओके। अब इधर आ जाओ, जब कहा गया कि ये मेरी पुरानी इनकम है और ये मेरी नई इनकम है, ये वाली जो इनकम है, पुरानी वाली इनकम नई वाली से ज्यादा होगी, मतलब नई वाली इनकम कम है, मतलब ये 100 है तो ये 80 मान लीजिए, 70 मान लीजिए, जो भी आपको मानना, तो ये हमारी मेन वाली लाइन है, तो ये इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, यही चीजें मैंने आपको समझाई है, ओके, जो स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया।
वस्तुओं के उपलब्ध बंडल के सेट में वह बदलाव जो उपभोक्ता की आय में बदलाव के परिणाम स्वरूप होता है, आय में कमी हो जाने से बजट रेखा में समांतर आवक स्थापन होता है। तो समांतर आवक स्थापन दर्शाया कि भैया यूं वो अंदर चला जाएगा, इसको कहा आय में वृद्धि होने से बजट रेखा में समांतर जावक शिफ्ट होता है। तो जब कमी होगी तो आवक हो जाएगा और जब वृद्धि हो जाएगी तो जावक हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब देखिए ये जो आपको दर्शाया गया है किस चीज के लिए दर्शाया गया, जब वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो। यह मान लीजिए कि जैसे केला है वस्तु है, अब ये अंदर जा रहा है, अंदर जाने का मतलब क्या है कि इसकी कीमतें बढ़ रही होगी, कीमत बढ़ी तो क्या हुआ, मांग कम हुई, तो ये अपना इधर शिफ्ट हो गया। और जब कीमतें कम हुई तो ये बाहर निकल के, मतलब आपने ज्यादा मांग कर दी। ये आपको इस प्रकार से एरो एरो बना कर करके पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में दे करके आना होगा। ये किसकी वस्तु में चेंज आ रहा है, जो एक्स वस्तु है उसकी प्राइस में चेंज आ रहा है। यहां पर क्या हुआ, प्राइस बढ़ गई और यहां पर प्राइस कम हो गई, ओके। और इसी प्रकार से जो वाय वस्तु है उसका भी मैंने आपको पूरा बना करके दिखा दिया है। इसी के साथ जो आज अपना लेक्चर है वो पूरा कंप्लीट होता है। बजट सेट में बदलाव भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से जान लिया और अच्छे से समझ लिया। अब आगे हम इष्टतम चयन की बात करेंगे कि कैसे बेस्ट जो चयन होता है वो उपभोक्ता अपना करता है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को, इस परिवार को बढ़ाइएगा और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।